वेरी वॉर्म वेलकम टू माई चैनल. माई नेम इज़ गुंजन चोपड़ा और आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक मास्क, हेयर मास्क जो कि है फ्रॉम प्लम. लेटली मेरे बालों में मैं ज़्यादा ड्राइनेस फील कर रही थी, सो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गुड हेयर मास्क और आई लैंडेड अप इन सर्चिंग प्लम, जो कि ये कहता है कि ये मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क है स्पेशली फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर. राइट, तो मेरे बालों में कोई केमिकल नहीं है, ये मेरे नेचुरल स्ट्रेट बाल हैं, कोई हेयर कलर मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मेरे बालों में ड्राइनेस आ रही थी तो मुझे मास्क की जरूरत लग रही थी. एंड आई एम अ पर्सन जो कि कंडीशनर और मास्क का काफी यूज करती हूँ अपने बालों में टू कीप देम लाइक यू नो द वे यू कैन सी इट लाइक शाइनी एंड यू नो कंडीशनड और मॉइस्चराइज्ड. तो ओके, अब मैं बात करती हूँ प्लम के मास्क के बारे में. रिटेल प्राइस इस हेयर मास्क का है 675 रुपीज, बट नायका पे इस समय 15% ऑफ मिल रहा है जो कि आता है 574 रुपीज का. तो मैंने ये मास्क पहले ही खरीद लिया था तो मुझे ये कम्प्लीटली इसके MRP पे ही मैंने खरीदा था 675 रुपीज में. इसका जो नेट वेट है वो है 250 ग्राम्स. इसमें काफी अच्छा पैकेजिंग इसकी अच्छी है, इसका जो लोगो एंड द काइंड ऑफ यू नो ग्राफिक्स जो है इसके टॉप पे मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स प्लेन सटल अच्छा सा है और ये वाइट कलर में इस तरह से क्रीमी मास्क है. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये अलग है, यूनिक है. मैंने पहले बहुत सारे कंडीशनर्स और मास्क का इस्तेमाल किए हैं, इस मास्क की जो खुशबू है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अलग है, यूनिक है और अच्छी है. नाउ मैं बात करती हूँ इस मास्क के कुछ फीचर्स के बारे में, इसकी कुछ खूबियों के बारे में जो कि प्रोडक्ट, जो कि इसका जो ब्रांड प्लम है बताता है. कि ये एक वीगन हेयर मास्क है, कुछ भी एनिमल्स को हार्म करके इस प्रोडक्ट को नहीं बनाया गया है. सेकेंडली ये कहते हैं कि ये मास्क बहुत ही नरिशिंग है और एनरिच्ड है ओलिव और मैकेडेमिया ऑयल्स से. राइट, और ये डीपली कंडीशन करता है ड्राई डैमेज्ड हेयर को और सॉफ्ट और शाइनी छोड़ता है बालों को जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं. ऑल्सो इट सेज द फॉर्मुलेशन इज मेड विथ प्लांट डिराइव फिल्म फॉर्मर्स, केरेटिन एंड यूवी शील्ड, ऑल्सो गार्ड्स कलर्ड एंड केमिकली ट्रीटेड हेयर अगेंस्ट पॉल्यूटेंट्स एंड यूवी रेज, जो कि ये ब्रांड कहता है. ओके, नाउ अब मैं आती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस मास्क का. सी डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि इस मास्क की खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस इज वेरी यूनिक और मुझे बहुत पसंद आई है. और जब आप इसको लगा के रिंस ऑफ भी करते हैं तो काफी देर तक आपके बालों में इसकी खुशबू बनी रहती है. ये बहुत थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि मास्क की यूजली होती हैं, हेयर मास्क की यूजली होती हैं. टू माय एक्सपेक्टेशंस, एक जो हेयर मास्क की जो एक कंसिस्टेंसी, जो थिकनेस, एक जो वो बालों में जो एक यू नो एक कंडीशन छोड़ता है ना, जो एक कंडीशनिंग देता है बालों को, वो उतनी नहीं दे रहा है. लाइक अगर मैं जैसे सपोजिंगली यू नो इन टू फिंगर्स से अगर मैं ये मास्क निकालती हूँ, जो कि यूजुअली इतना मास्क मेरे बालों के लिए इस्तेमाल होता है, मैं अगर ये इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका डबल ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा अपने बालों में एक सॉफ्टनेस, एक कंडीशनिंग को फील करने के लिए. यूजुअली जब मैं पहले कोई कंडीशनर या हेयर मास्क यूज करती रही हूँ तो जब आप उसे यूज करते हैं, बालों में लगाते हैं, तो एक सॉफ्टनेस ही फील आती है हाथों में और बालों में. यू नो वो सॉफ्टनेस मुझे फील नहीं हुई इस मास्क के साथ. तो ये कहता है कि ये सुपर कंडीशनिंग मेगा मॉइस्चर मास्क है, बट टू माई एक्सपेक्टेशंस मुझे वो सॉफ्टनेस फील करने के लिए प्रोडक्ट को डबल ट्रिपल बार निकाल के उसे बालों में लगाना पड़ा, तब जाके मुझे वो सॉफ्टनेस फील आई है. जब फर्स्ट टाइम मैंने इसका इस्तेमाल किया था तो मैंने दो बार निकाला था,
और मुझे वो सॉफ्टनेस फिर भी उतनी फील नहीं हुई। मैंने सोचा शायद हो सकता है कि जब मेरे बालों का बाल ड्राई हो जाएंगे, एयर ड्राई करूंगी, उन्हें नेचुरल ड्राई होंगे, तो मैं देखूंगी अगर वो मेरे बालों को पूरी सॉफ्टनेस और कंडीशनिंग देता है या नहीं। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट, मैंने जो पहले मास्क यूज़ किए हैं उनके कंपेरिजन में इस मास्क ने मुझे वैसा कंडीशनिंग नहीं दिया। इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि उसने बालों को बिल्कुल ड्राई छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो एक सॉफ्टनेस और एक जो शाइन आप अभी मेरे बालों में देख रहे हैं, वो सॉफ्टनेस और शाइन मुझे उस समय अपने बालों में नहीं दिखी थी। हाँ, उनके लिए जिनके बाल ड्राई नहीं हैं, फ्रिजी नहीं हैं, नॉर्मल है, थोड़ा ऑयली की तरफ है, उनके लिए ये मास्क मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग नहीं देता, बहुत ज़्यादा एक आपका वो कहते हैं ना, बालों को लिम्प नहीं करता, राइट? जैसे कभी कभी होता है ना कि आप बालों में मास्क, हेयर मास्क यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो आपको लगता है बाल बहुत लिम्प हो गए, आपको वो वॉल्यूम नहीं मिल रहा है बालों में, तो उस चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन जिनके बाल काफ़ी ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, नेचुरली कर्ल्ड हैं या थिक हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए मैं ये मास्क, हेयर मास्क रेकमेंड या सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि एज यू कैन सी मेरे बाल नेचुरली पतले ही हैं, स्ट्रेट हैं, इस्तेमाल करा मैंने, लेकिन मैं आई एम यूज टू ऑफ यू नो फीलिंग दैट सॉफ्टनेस, दैट कंडीशनिंग इन माई हेयर, तो मैं इसीलिए इसको लगाती हूँ। मैं वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खरीदा तो मैं इसे लगाऊंगी जरूर, पर तब भी मुझे वो एक फील नहीं आया। तो यस, आई वुड सजेस्ट या तो आप इस मास्क को इस्तेमाल ना करें बिल्कुल विंटर सीजन में, मैंने नहीं किया ऑनेस्टली कहूँ तो, जब मैंने ये मास्क का एक्सपीरियंस किया तो मैंने ये मास्क छोड़ दिया विंटर्स में इस्तेमाल करने के लिए, एंड सोचा चलो जब समर्स आएंगे मैं तब उनका इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि तब मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा यू नो कंडीशनिंग आए मेरे बालों में, क्योंकि उन दिनों में स्वेटनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इसका ज़रूर इस्तेमाल करूंगी, तब मैं शायद मोर थिकेंड जो बहुत क्रीमी मास्क होते हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये मास्क बिल्कुल ही बेकार है, जैसा मैंने कहा इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम ये मास्क ड्राई, फ्रिजी, स्पेशली केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए नहीं है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंडीशनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द हेयर। यस, यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट जरूर करता है, एज इसमें मैंशन है कि उसमें यूवी शील्ड है, तो आप इसका इस्तेमाल समर्स में जरूर कीजिए, क्योंकि समर्स में तो एनीवेज हम लोगों को बहुत ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यस, आई मीन आप तब इसका इस्तेमाल करें। ऑल्सो जब मैं जैसा मैंने कहा कि जब मैं एक अच्छे हेयर मास्क की तलाश में थी, मैं नायका पे गई, मैंने जब इस प्रोडक्ट के बारे में देखा, मैंने इसके रिव्यूज देखे, रिव्यूज में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज सुनने को देखने को मिलेंगे इस प्रोडक्ट के लिए, बट और मैंने ये उन रिव्यूज के ही मद्देनजर इस प्रोडक्ट को खरीदा था, पर मेरा एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द रिव्यूज आर देयर इन द नायका, राइट? ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये प्रोडक्ट ख़राब है या ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है, बट यस, जो एक मेगा मॉइस्चर का जो इन्होंने एक दावा किया है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत और प्रभावित नहीं हुई हूँ। यूज दिस मास्क इन द समर सीजन और मे बी उन लोगों के लिए जिनके बाल बिल्कुल नॉर्मल हैं, ड्राई, फ्रिजी, केमिकली ट्रीटेड नहीं है, वो लड़कियाँ, वो लोग जो अपने बालों के लिए एक सुपर कंडीशनिंग, एक सुपर मॉइस्चरिंग की ज़रूरत में है, आई डू नॉट थिंक सो उससे इस प्रोडक्ट से उनको ये मिलेगा। देर आर मेनी मेनी अदर हेयर मास्क फ्रॉम अदर ब्रांड्स जो बहुत अच्छा कंडीशनिंग देते हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चर देते हैं बालों को। आई रियली विल सजेस्ट कि अगर आप सिर्फ इस एक फीचर को देख रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर अनदर ब्रांड्स हेयर मास्क, बहुत सारे हैं। बट येस, अगर आप अपने बालों में एक वॉल्यूम चाहते हैं, येट कंडीशनिंग भी चाहते हैं बालों में, और आपके बाल नॉर्मल हैं, ऑयली साइड हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दो ये जिनके बाल हल्के फुल्के ड्राई हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट इन द विंटर सीजन। यू मे ट्राई इट इन समर सीजन, इट माइट गिव यू योर डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? सो दिस इज इट फॉर दिस
हेयर मास्क, ये मेरा रिव्यू था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिव्यू था इस हेयर मास्क के बारे में. दी बेस्ट थिंग दैट आई हैव फाउंड इन दिस हेयर मास्क इज इट्स फ्रेग्रेंस. इसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी है, जो कि आपके बालों में काफ़ी देर तक बनी रहती है. बस इसी एक अच्छे नोट के साथ मैं अपना इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ. एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के साथ आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा. और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू ऑल्सो वेरी सून विद माई अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.